केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई के दौरे पर गए थे। वहीं अब अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बता दें कि अमित शाह के मुंबई दौरे के वक्त एक शख्स कई घंटों तक उनके आसपास घूमता रहा। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया है। पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय हेमंत पवार को सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य नेताओं के आसपास घूमते देखा गया था। एक पुलिस वाले ने कहा कि पवार ने एमएचए का रिबन पहना हुआ था और इसलिए उस पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। हालांकि आश्वस्त नहीं होने पर मंत्रालय के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने घटना के 3 घंटे के भीतर पवार का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी दे दे कि आरोपी शख्स को गिरिगांव कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार शख्स से पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर किस मंशा के साथ आरोपी केंद्रीय गृह मंत्री के आसपास घूम रहा था। बता दें कि अमित शाह ने मुंबई के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को एक प्रमुख गणेश पंडाल लाल बागचा राजा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर दौरा किया था। ये पहली बार नहीं है जो सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इससे पहले 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी सेंध लग गई थी। फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण पीएम मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था, जिसके बाद वो एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए थे। इस दौरान 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इस घटना के कारण भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी जंग भी छिड़ी थी। इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। बिहार के सीएम की सुरक्षा में चूक कई बार देखने को मिला है। सीएम नीतीश कुमार का काफिला जब पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकला तो उनके काफिले में एक अनजान गाड़ी शामिल हो गई। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना फिर सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।